हाँ देखिए बच्चों, आज हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम का यूज करके इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से, वायर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वो किसी भी डायरेक्शन में आर डिस्टेंस पर हो सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे इस चार्ज वायर से। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे, हम इस वायर पर जो ये कोई पॉइंट है ओ, इस ओ पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पर ऊपर हम एक एलिमेंट एज्यूम कर रहे हैं, उतनी डिस्टेंस पर नीचे भी एक एलिमेंट एज्यूम करेंगे। तो जैसे इस एलिमेंट की लेंथ हम डीएल मान लेते हैं, डीएल हम इक्वल लेंथ के हम दो एलिमेंट एज्यूम करेंगे, एक ऊपर इस ऊपर से और एक नीचे। इस वायर की यदि चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमड़ा है, तो इस डीएल लेंथ पर होगा चार्ज लेमड़ा डीएल। तो ये स्मॉल चार्ज हो गया, इसलिए इसको डी क्यू से एज्यूम कर लेते हैं, डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू लेमड़ा डीएल। तो ये जो डी क्यू पॉजिटिव चार्ज है, इससे इस पॉइंट पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम पी मान लेते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑब्जर्व की जा रही है, कैलकुलेट की जा रही है। तो पी पॉइंट पर डी क्यू पे से इंटेंसिटी आप अवे फ्रॉम चार्ज होगी, ऐसे इस चार्ज से भी अवे फ्रॉम चार्ज होगी, स्मॉल चार्ज से स्मॉल इंटेंसिटी होगी, इसलिए ई के बजाय डी, ई के बजाय डी। जब दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, चार्ज से डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों की इंटेंसिटी भी इक्वल होगी। थीटा थीटा एज्यूम कर लिया जाता है, इसको थीटा एज्यूम, तो इसको भी थीटा, क्योंकि सिमेट्री है। जब ये थीटा थीटा है, तो ये भी थीटा थीटा एंगल होंगे, इनके कंपोनेंट लिखे जाएंगे। तो इसका कॉस इधर साइन ऊपर, इसका कॉस इधर साइन नीचे, तो साइन कंपोनेंट कैंसिल, कॉस कंपोनेंट ऐड होकर हम यहाँ पर इंटेंसिटी देंगे। तो कॉस कंपोनेंट किस डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, इस बार के परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं। तो बताओ इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी मिलेगी, वो कॉस कंपोनेंट के एडिशन से मिलेगी, मतलब वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगी। तो किसी भी पॉइंट पर इस वायर की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो वायर के परपेंडिकुलरली होगी। पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, यदि इस पर नेगेटिव चार्ज एज्यूम करेंगे तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड आ जाएगी। कुछ नहीं कहा जाता, तो हम पॉजिटिव चार्ज ही लेके चलते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब गॉस थ्योरम का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए लगाई जाती है, क्लोज सरफेस होना चाहिए, चार्ज को क्लोज करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। चार्ज को बंद करने के लिए यहाँ पर हम एक सिलेंडर इमेजिन कर रहे हैं, स्मॉल आर रेडियस, पॉइंट की जितनी डिस्टेंस है उतनी रेडियस का एक सिलेंडर एज्यूम किया, और जिस सिलेंडर को हमने एज्यूम किया उसकी लेंथ एल एज्यूम की। तो वायर की एल लेंथ इस सिलेंडर के अंदर है, बाकी जो वायर है वो बाहर है। तो एल लेंथ में चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, लेमड़ा एल। जैसे डीएल लेंथ में लेमड़ा डीएल, तो एल लेंथ में लेमड़ा एल। तो ये चार्ज अंदर है, अंदर वाले चार्ज को सिग्मा क्यू से डिनोट करते हैं, सिग्मा क्यू। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू अंदर हो गई चार्ज की लेमड़ा डीएल। अब गॉस थ्योरम का यूज करें, तो गॉस थ्योरम मैथमेटिक्स की टर्म में, मैथमेटिक्स फॉर्म में ये होती है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन डॉट। अच्छा, ये जो चार्ज बंद हो पाया है, वो तीनों सरफेसों से मिलकर बंद हो पाया है। दो सरफेस तो कौन सी हो गई, तो बॉटम एक टॉप, और तीसरा ये सिलिंड्रिकल जो कर्व सरफेस है, वो तीनों जब एक साथ प्रेजेंट होंगी तो ये चार्ज बाहर से दिखेगा नहीं, मतलब अंदर बंद रहेगा। तो क्लोज सरफेस जो बनी वो तीनों मिलकर बना रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने नाम किस किस के दिए, जैसे इसका नंबर वन दे देते हैं बॉटम का, टॉप का नंबर टू दे देते हैं, और ये जो तीसरी सिलिंड्रिकल है इसको नंबर थ्री सरफेस दे देते हैं। तो तीनों सरफेस जब एक साथ बंद होंगी, एक साथ प्रेजेंट होंगी, तो ये चार्ज
चार्ज बंद होगा, कितना चार्ज लैम्डा एल इस वायर पे, बाहर से दिखाई नहीं देगा, बाहर से दिखना नहीं चाहिए, तंबू क्लोज सरफेस के अंदर बंद हो पाए। अच्छा, अब तीनों को यदि तीनों सरफेस का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया जाए, तो जैसे फर्स्ट सरफेस का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वन सरफेस का प्लस इंटीग्रेशन टू सरफेस का प्लस इंटीग्रेशन थ्री सरफेस का, सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी हो गई सिलेंडर के अंदर बंद आवेश कितना लैम्डा एल, क्लोज सरफेस के अंदर एंड चार्ज की वैल्यू लैम्डा एल, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, वन सरफेस के लिए ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है, ई वायर के परपेंडिकुलर में और डी ए सरफेस के परपेंडिकुलर, तो थीटा 90, तो इसके लिए थीटा 90, टू सरफेस के लिए भी थीटा 90 और नंबर थ्री सरफेस के लिए डी ए की डायरेक्शन परपेंडिकुलर सरफेस के और ई की डायरेक्शन वायर के परपेंडिकुलर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा दोनों के बीच का एंगल। अब इसको खोलेंगे तो ई डी ए कॉस 90 कॉस 90 डिग्री पहले 0 होती है तो 0 बन जाएगा, ऐसे ई डी ए कॉस 90 कॉस 90 पहले 0 होती है ये 0 बन जाएगा, वो ई डी ए कॉस 0 पहले 1 होती है, तो ये 0 बन जाएगा कॉस 90 में, जैसे ये भी 0 बन जाएगा और वो ई डी ए कॉस 0 कॉस 0 पहले 1 हो जाएगा। तो नंबर 3, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर ये क्लोज सरफेस का साइन दिया है, देखो यहाँ पे तीनों मिलकर क्लोज बना रहे हैं, चार्ज को बंद कर रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर ये सर्कल है, लेकिन यहाँ अकेली सरफेस बॉटम इस चार्ज को बंद नहीं कर पा रही, मतलब क्लोज सरफेस नहीं बना पा रही, तो इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर ये सर्कल नहीं आएगा, ऐसे टू पर भी सर्कल नहीं आएगा, तीन पर भी सर्कल नहीं आएगा, ये अकेली क्लोज नहीं बना पा रही है इसलिए सर्कल नहीं आएगा, अकेली दो भी क्लोज नहीं बना पा रहे इसलिए सर्कल नहीं आएगा, कि तीन भी क्लोज नहीं बना पा रहे इसलिए सर्कल नहीं आएगा, और इंटीग्रेशन का साइन आएगा। अच्छा, अब ई तीन नंबर सरफेस के लिए कांस्टेंट रहेगा, तीन नंबर सरफेस का कोई भी पॉइंट हो वायर से, वायर इसकी एक्सिस पे हो गए, वायर से आर डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस इक्वल हो गई तो इंटेंसिटी इक्वल होगी, ई की वैल्यू सेम रहेगी ईच डी ए के लिए, तीन नंबर की सरफेस पे डी ए डी ए स्मॉल एरिया एज्यूम किए जा रहे हैं, तो ईच डी ए स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो ईच डी ए पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, इक्वल को कांस्टेंट कहते हैं, तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को बाहर ले लो, तो ई को बाहर ले लो, ई को बाहर लेंगे इंटीग्रेशन के साइन से, तो इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। अब तीन नंबर का टोटल इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब टोटल एरिया तीन नंबर का सरफेस का टोटल एरिया आप जानते हो 2 पाई आर एल, सिलिंड्रिकल सरफेस का 2 पाई आर एल, तो एल से एल कट हो गया, तो ई का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा ऊपर है आर नीचे, तो ये फॉर्मूला आ गया ई का। तो E inversely proportional R के, small r की वैल्यू ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, तो E की वैल्यू कम, तो इस फॉर्मूले को आपको याद भी रखना है, इस तरीके से 1, 2, 3 जब एक साथ हैं तब तो क्लोज सरफेस बना पाता है, तो इंटीग्रेशन के साइन को सर्कल, जब 1, 2, 3 को अलग अलग लिखेंगे तो साइन इंटीग्रेशन के साइन को सर्कल नहीं आएगा, और थीटा की वैल्यू ये जो ये होंगी 90 90, जिसके लिए वो 0 0 हो जाएगी, cos 0 है वो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में E, तीन नंबर सरफेस ये इस तरीके से एक्सिस पर वायर है, तो तीन नंबर सरफेस के लिए R कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब DA कहीं पर भी अज्यूम करें तीन नंबर पे, तो ईच DA की डिस्टेंस वायर से स्मॉल r रहेगी, तो इंटेंसिटी E सेम रहेगी, इंटेंसिटी सेम रहने का मतलब कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले गए, तो ये फाइनली फॉर्मूला आ गया है। ये फॉर्मूला किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्टेट वायर, लेकिन लॉन्ग स्टेट वायर कैसा, चार्ज इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज,
स्ट्रिप वायर चार्ज तो होना चाहिए, बिना चार्ज की इंटेंसिटी होगी नहीं। चार्ज पॉजिटिव होगा तो अवे फ्रॉम वायर होगी, मतलब परपेंडिकुलरली अवे, और नेगेटिव चार्ज होगा तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड हो जाएगी, है ना। लेकिन चार्ज होगा तो इंटेंसिटी होगी, अदरवाइज इंटेंसिटी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये एक एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम का यूज़ करके हमने इंटीग्रेशन करके डेरिवेशन किया है इंटेंसिटी का।